कस्बा शेरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कस्बे में एक बैठक की गई, जिसमें लोगों को इस कानून के बारे में जागरूक किया गया। जनपद मथुरा के शेरगढ़ कस्बे में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नागरिकता संशोधन बिल को लेकर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें लक्की चेयरमैन ने नागरिकता संशोधन के बारे में अवगत कराया, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। पार्टी के द्वारा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया था कि वे अपने क्षेत्र में मीटिंग रखकर नागरिकता संशोधन बिल के बारे में पहले जानकारी जुटाएं, उसके पश्चात लोगों को नागरिकता संशोधन बिल के बारे में जानकारी दें, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे लोगों को बाहर निकाला जाए। लोगों को अच्छे तरीके से समझाएं कि नागरिकता संशोधन बिल से किसी को भी नुकसान नहीं है। ये कानून देश के सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, और जो अफवाह है वो सिर्फ अफवाह है। इस कानून से किसी भी समुदाय के लोगों को कोई नुकसान नहीं है, और ना ही ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए है। हाँ सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम लक्की सिंह बैंक से। ये जो आपने जो ऐसा कार्यक्रम रखा है, ये ऐसा किस विषय में रखा है? क्या ये आज हमारा जो कार्यक्रम है, ये नागरिक संशोधन बिल अधिनियम 2019 के सापेक्ष में रखा गया है। हमारे मथुरा में जिला यूनिट द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी ये हम लोगों को सूचना दी गई थी कि हम लोग इसमें आगे भी इसको लोगों तक जागरूक करें और लोगों तक पहुँचाएं। ये जो ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि ऐसा है मोमडनों को ऐसे देश से निकाला जाएगा, ये आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? यह भ्रांतियाँ विपक्षी पार्टियों द्वारा बहुत गलत तरीके से पेश करके लोगों को गुमराह करने के लिए की जा रही हैं। इस तरह की कोई भी चीज़ें कहीं भी नहीं है। आदरणीय हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और हमारे गृह मंत्री यशस्वी गृह मंत्री जी ने भी संसद में भी ये पूरी तरह कहा था कि कहीं भी किसी की भी नागरिकता लेने के लिए हमारा ये बिल नहीं है। हम तो पहले से ही नागरिकता लोगों को देने के उसमें बिल है। जहाँ तक कि हमारा पूर्ववर्ती पिछले 5 साल के कार्यकाल का अगर हिसाब देखा जाए तो 566 लोगों को हमने नागरिकता दी है, और यह बिल सभी को रेगुलराइज करेगा, ना कि किसी को प्रभावित करेगा। ये जो बिल पहले था, ये सीएबी था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। इसको इन्होंने संशोधन करके, हमारे भारत सरकार ने इसको सीएए कर दिया, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इससे प्रावधान ये था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने लोग भी प्रवासी हमारे भारत में आए थे उनको ये बिल रेगुलराइज करेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक पहले आदरणीय महात्मा गांधी जी ने भी कहा था 26 सितंबर 1947 को जब देश का विभाजन हुआ था, तो उन्होंने ये कहते हुए कि हिंदू या मुस्लिम, सिख ईसाई जो भी पाकिस्तान से हमारे यहाँ रहना चाहते हैं, हम उनके हितों की पूरी तरह से मतलब रक्षा करेंगे, उनसे कोई कैसी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 70 साल बाद एक ऐसा कानून ला करके जो कि देश को, देश हित में हो और जनता की भलाई के लिए हो, ऐसे बिल को ला करके यहाँ आज हमारी यशस्वी मोदी जी द्वारा और अमित शाह जी द्वारा किया गया है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उत्तर पूर्व में यह बिल किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा। इस बिल का उत्तर पूर्व से कोई भी वो नहीं है। तत्कालीन यूपीए सरकार 2007 में जब हमारे विदेश मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत से लोग जो वहाँ से, जैसे कि आंकड़े उन लोगों को मिले थे भारत सरकार को, कि 111,754 व्यक्तियों ने हमारे भारत में 2007 में एंट्री अवैध रूप से की थी, और उनका जब यहाँ पर सारा डाटा चेक किया गया तो वो लोग यहाँ से रिटर्न नहीं हुए। अब जहाँ तक बात आती है कि ये बिल कहाँ पे गलत है, तो लोग बिल्कुल गलत भ्रम में हैं और भ्रम पाल दिया है विपक्षी पार्टियों ने। कहीं पे भी ये बिल बिल्कुल भी गलत नहीं है। और जो लोग यहाँ गलत तरीके से आए थे, जो मतलब वीजा लेके यहाँ आए थे, और वीजा लाने के बावजूद भी जिनको एक नियमित निर्धारित समय यहाँ दिया गया था कि इतने समय में आपको यहाँ से लौटना पड़ेगा, वो यहाँ से नहीं लौटे और यहाँ वो रुके। ऐसे लोग अगर यहाँ रुकते रहेंगे तो भारत में असुविधाएं बढ़ेंगी। इसलिए इस बिल को एक तरह से सही से संयोजित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम क्या? मैं बीरचंद गुर्जर, अध्यक्ष शेरगढ़ मंडल भारतीय जनता पार्टी। ये अभी आज जो आपने प्रोग्राम रखा है, इसके बारे में बताएं, ये ऐसा किस विषय में रखा है? ये आज की जो हमने कार्यशाला रखी है, ये जिले लेवल से हमको आदेश आया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में ये हम कार्यशाला का प्रयोजन कर रहे हैं। ये जो हमारा नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है,
इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो मुसलमान के खिलाफ हो, ये मुसलमान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 है, इसमें हमारे जो गृह मंत्री साहब अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी कहा, और ये बिना बेवजह से भ्रांति फैलाई जा रही है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसमें मुसलमान के खिलाफ कोई बात हो। और जो हमारी नरेंद्र मोदी सरकार है, उसने बताया कि इसमें किसी भी मुसलमान को डरने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो बिल्कुल न डरे, आगे आए, इस संशोधन को समझें और इसमें पता करें इसमें है क्या क्या, उसको पहले समझें और फिर उस पर विचार करें। बंगाल, पाकिस्तान और बाहर से जो मुसलमान हमारे यहाँ आए हुए हैं और जो अवैध रूप से यहाँ पे आए हैं और जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके लिए ये संशोधन लाया जा रहा है। जो हमारे भारत के मुसलमान और भारत की मिट्टी से पैदा हुए हैं, वो कोई भी मुसलमान को किसी भी तरह की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे शाहजी ने कहा यह बिल सिर्फ नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस बिल में कोई भी नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी सरकार मानती है कि जिनकी प्रताड़ना हुई है उन सबकी मदद सरकार को करनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि वे नागरिक हैं, नागरिक रहेंगे और उन्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। यहाँ की माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर हमने ये अपनी एक कार्यशाला रखी है और इसमें हमारे वरिष्ठ जो भाजपा के नेता हैं जिले लेवल से आए हुए, और हमारे जो शेरगढ़ मंडल की भाजपा की जो टीम है वो पूरी यहाँ पे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक, पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और हमारी पूरे शेरगढ़ मंडल की जो टीम है यहाँ पर आकर के इकट्ठी हुई है। और इस चीज़ से हम लोग अवगत करा रहे हैं कि इसमें उन लोगों को कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और हम अभी गांवों में जा करके घर घर जा करके 1 तारीख से 5 तारीख तक इसका प्रचार करेंगे। ये हमको ऊपर से आदेश भी है कि लोगों को समझाएं और उनको जो हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है उसके बारे में हम लोगों को समझाएं कि इसकी असलियत क्या है।